सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज़िया। हमारी को एंकर अलीना इलियास मेरे साथ स्टूडियोज़ में, फ़ख्र रहमान साहब ने हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है और ज़ुल्करनैन हमारा सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे वो कवर करते हैं, वो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और आज जो तीन चार अहम जो इशूज़ हैं जो ज़ेर बहस आएँगे, उनमें से एक तो जो आज हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में और जो अदालतें हैं जुडिशल कम्प्लेक्स में, मुख्तलिफ सेशन जजेस वहाँ पर जो चेयरमैन पीटीआई के मुकदमात, फिर उनकी अहलिया के हमरा नैब में उनकी पेशी, ज़ुल्करनैन क्योंकि बड़ी गहरी नज़र रखते हैं लीगल मामलात पर, तो उनसे हम इस बात पर करेंगे, उनका तज़िया लेंगे इस पर और आपको बताएँगे कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि जो तोशा खाना का कानून है, जो केस था तोशा खाना, वो तो अब तमाशा खाना बन के रह गया। ज़रा थोड़ा एक्सपोज करेंगे कि कैसा एक बयानिया बनाया था नून लीगियों ने, और वक्त से पहले मिठाई खा लेते हैं ये, बाद में इन्हें एहसास होता है कि ओहो ये तो मिठाई अभी खानी बनती नहीं थी। तो बड़ा जो ओपन एंड शट केस करार दे रहे थे ये सारी की सारी रिजीम, आज जनाब आमिर फारूक साहब ने जो उठा के वापस फेंका है उसको ट्रायल कोर्ट, तो वो ज़रा उस पर हम बात करेंगे कि वो क्या है। फिर नैब के कवानीन के हवाले से, यानी ये वो लोग हैं जो ये कहते थे कि नैब की मौजूदगी में बिजनेस नहीं हो सकता, नैब की मौजूदगी में पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं कर सकता, नैब की मौजूदगी में कोई पाकिस्तान में अफसर साइन नहीं कर सकता। और अब ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं की ज़ुबानी जो ये कहते रहे, मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनवाऊँगा। हम तो बीच में से आउट, वो तो हम निकल गए। लेकिन आगाज़ अगर मैं, आज 4 जुलाई है, 4 जुलाई और 5 जुलाई की दरमियानी शब, पाकिस्तान में आज से कई दहाइयां पहले एक शब खून मारा गया और एक डिक्टेटर ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटाया, उस वज़ीर आज़म को जो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं था, शरीफों की तरह भगौड़ा नहीं था। उसने कहा जान चली जाएगी इसी धरती पर, खून दूंगा लेकिन अपनी धरती को नहीं छोड़ूंगा। खून दिया, आज उसकी आल औलाद उस खून के नाम पर हुक्मरानी कर रही है। अगर उसका जिक्र ना करें, अगर उसको खराज तहसीन पेश ना करें, तो ना अपने आप से इंसाफ कर पाएंगे। और अल्लाह भी कहता है कि जो आप पर एहसान करे उसको मत भूलो। इस कौम को आइडेंटिटी दी, इस कौम को आइन दिया, इस कौम को चलने का एक रास्ता दिखाया। बिल्कुल सही समझे आप, मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बात कर रहा हूँ। और बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था, स्कूल का स्टूडेंट था, तब भी लोग दीवाने थे भुट्टो के, और जो उस वक्त का हुक्मरान था वो दबाता था, मारता था, कोड़े मारता था और जेलों में फेंकता था, और टब्बर के टब्बर उन्होंने उठा लिए थे। लेकिन लोग एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, लोग अपनी अपने दिलों में उसकी मोहब्बत को छुपाए इंतज़ार करते रहे, और उन्होंने उसकी शहादत के 10 साल के बाद जब इलेक्शन हुए तो उसकी बेटी को वोट देके, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वोट देके इस मुल्क का हुक्मरान बनाया। ये सारा जुल्म जो ढाया उस वक्त के डिक्टेटर्स ने, वो लोगों के दिलों से ना ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत को उसने निकाला, और ना ही भुट्टो के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा, बड़े करतास से अबियस जिन्हें हम वाइट पेपर कहते थे, आज भी स्क्रीन्स पर मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे आपको चेहरे नाचते हुए गुड्डे की तरह, जिसको चाबी भर देती है और वो फिर गुड्डा यू यू करके नाचता है, इस तरह आपको नाचते नज़र आ रहे हैं। उस वक्त वो उन्हीं कुव्वतों के साथ थे जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया, जिन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का खून बहाया। मैं बस एक आपको मौज़म अली मौज़म को, तो मैंने खुद सुना हुआ है उसको, उसका जो तराना होता था, भुट्टो दे नारे वजन गए, भुट्टो दे नारे वजन गए, जलसों की जान होता था, और जलसे जब होते थे तो लाखों की तादाद में लोग भुट्टो के नारों पर झूमते थे,
और अपनी मोहब्बत का जिस वाहलियाना अंदाज में वो इजहार करते थे, वो मनाजर हैं, देखने वाली आंखों को वो मिलते हैं। और मैं बस एक वो उनकी नज़म है जो उन्होंने पढ़ी है, उसमें बिलावल भुट्टो भी खड़े हैं, वो भी नारे मार रहे हैं। मैं ये दिखाना इसलिए चाहता हूँ और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ कि खुदा करे कि जो भुट्टो की फ़िलॉसफ़ी थी, जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की फ़िलॉसफ़ी थी, बस बिलावल भुट्टो की आंख खुल जाए और वो उस फ़िलॉसफ़ी को अपने हाथ में पकड़ लें। आइए आपको सुनवाते हैं भुट्टो दे नारे। और एक ये तरीका है खराज तहसीन पेश करने का। ये जो भुट्टो के नारे थे, ये वजदे रहे और अब भी वज रहे हैं। और उसकी फ़िलॉसफ़ी जो है रेजिस्टेंस की फ़िलॉसफ़ी, उसकी फ़िलॉसफ़ी जो हकीकी आज़ादी की फ़िलॉसफ़ी, वो आज भी मौजूद है। पीपल्स पार्टी आज भी ज़िंदा है। और बिलावल साहब से सिर्फ यही कहूँगा कि अगर पीपल्स पार्टी के लोगों के दिलों से ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मोहब्बत कोई नहीं निकाल सका, चाहे उस वक्त कितनी बड़ी थी रियासत और कितना बड़ा डंडा था, लेकिन भुट्टो की मोहब्बत को कोई ना निकाल सका और वो अपनी कब्र में सोया हुआ आज भी पाकिस्तान में इंतखाबात का फ़ैसला करता है, उसका नाम इस बात का फ़ैसला करता है। आज भी सिंध के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए कि वहाँ पर भुट्टो का खून है, इसलिए कि वहाँ पर वो लोग जो भुट्टो के साथ लड़े वो मौजूद हैं उसके नज़रियात को पहरा देने के लिए। तो अगर कोई रेजिस्टेंस पकड़ लेता है अपने हाथ में, अगर कोई ये फैसला कर लेता है कि इस धरती के लिए वो जान दे देगा, तो लोग उसको नहीं भुलाते, उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों से नहीं निकलती। बिलावल साहब, आपके नाना की मोहब्बत भी नहीं निकली लोगों के दिलों से, किसी की भी मोहब्बत नहीं निकलेगी। इसलिए जो फ़िलॉसफ़ी थी भुट्टो की उसको देखें, और जो पीपल्स पार्टी की जो असल पहचान थी उसको थामें, तो ये पार्टी, ये नज़रिया और ये लोग फिर दोबारा उसकी तरफ लौट कर आ सकते हैं। आज यही कहूँगा इसलिए कि 4 जुलाई बहुत अहम दिन है। हकूमत जो थी वो इलेक्टेड वज़ीर आज़म की हकूमत छीन ली गई शब खून मार के, और फिर उसके बाद बहुत कुछ कहा गया उसके बारे में, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। अब चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। आज बड़ी स्टोरी जो थी वो तोशा खाना की स्टोरी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीए की जो दरख्वास्त थी, जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की थी, वो जो फ़ैसला था ट्रायल कोर्ट का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद कर दिया, वापस भेज दिया कि इसको देखकर इसका फ़ैसला करें। तोशा खाना, जिसको तमाशा खाना बना दिया गया। अब क्या एक नैरेटिव बिल्ड किया गया, पूरा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का नेशनल मीडिया, उस पर जो गुफ्तगू शुरू हुई। आइए सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ साहब क्या फरमाते थे तोशा खाना के बारे में, ज़रा आइए पहले आपको वो सुनवा देते हैं। कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई, लेकिन आज ख्वाजा आमिर फारूक साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो इस बात से एग्री नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा ये जाए वापस ट्रायल कोर्ट में, ये ज़रा इसको देख के फैसला करें। अच्छा जी, मरियम नवाज़ को भी सुन लेते हैं। माशाल्लाह उनके जो पर्ल्स ऑफ विजडम हैं, उनके जो माशाल्लाह वो जो फेंकती हैं, ऐसी ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाती हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। इररिफ्यूटेबल फैक्ट है, इररिफ्यूटेबल फैक्ट, ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने ये बात नहीं सुनी। अच्छा जी, आइए ज़रा मरियम औरंगज़ेब साहबा, मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। वो उनकी जो डेडिकेशन है अपनी जमात के साथ, अपने लीडरान के साथ, मैं उस डेडिकेशन को सल्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि वो इंतहाई मुखलिस है। क्योंकि इस किस्म की गुफ्तगू अगर आप बहुत मुखलिस ना हो तो आप कर नहीं सकते। आइए सुन लेते हैं, अब देख लें क्या वो फरमा रही हैं कि ये करोड़ों और पता नहीं और कितने दर्जात आने हैं आगे, पता नहीं किन्नियाँ की चोरियाँ फड़ियाँ जानियाँ ने, क्या बयानियाँ बनाया इन्होंने। अच्छा, अब अगर इस पूरी दौड़ में सब दौड़ रहे हो ना, एक दौड़ लगी हुई है, हर बंदा बता रहा है दौड़ दौड़ के, मियाँ साहब मैं भी गाल की थी, तो एक और भी हैं करेक्टर जनाब अता तारड़, ज़रा सुनिए, महसूस होइए क्या फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा केस है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कह रहे हैं आम बहुत अच्छे ने, 3-4 किलो ले लो, बड़े मिठे ने, ये बहुत अच्छे आम है माशाल्लाह, बड़ा 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 अच्छा थैला है ये। राणा सनावला साहब की भी सुन लेते हैं, आइए। ओ खुदाया, अब तकलीफ़ ये है कि हमें चोर क्यों कह रहा है, ये तो गुस्सा आपने देखा, वो शहबाज शरीफ साहब भी आपे से बाहर हो जाते हैं, और मतलब बड़ा एक अजीब व गरीब सा अचानक वो उसमें आ जाते हैं। चैनल वालों से पूछते हैं किस चैनल से हैं आपने ये सवाल किया, कौन से चैनल से, अब नाम बताएं मुझे अपने चैनल का।
मुंह काला हो जाए और ये अल्लाह ने सज़ा दी है। अच्छा जी, अब ये ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक तो काबिल समात ही नहीं है केस, ये इसमें कोई एविडेंस ही नहीं है। जो ट्रायल कोर्ट दौड़ दौड़ के जो फर्द जुर्म लगा रही थी और पता नहीं क्या कुछ कर रही थी, वो ख्वाजा साहब कहते हैं इसको कानून के मुताबिक फ़ैसला करें। ज़ुल्करनैन, ये बड़ा ओपन एंड शट केस, इर्रेफ्यूटेबल और मुंह काले और पता नहीं ऐसियाँ तमाला, और अच्छा केस भी है, ये बड़ा अच्छा केस है, जैसे वो कहते हैं ना चौंसा है, बड़ा अच्छा मीठा आंबे, तो ये इस तरह का था। तो क्या हुआ, ये ख्वाजा फारूक साहब ने तो कहा कि जाएं ट्रायल कोर्ट में ले जाएं इसे। और ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कई साफ़ी और मेरे दोस्त हैं, मैं आज भी वो मेरे गले लग गए बात करते करते हुए, कहो यार आप ये क्या कह रहे हैं, कैसे ये मिला रहे हैं, ये तोशाखाना का केस जो है ये तो ओपन एंड शट केस है, ये तो अच्छा भाई वो एक ऐसा स्कैंडल इन्होंने बनाया कि जी घड़ी पर खाना काबा का डायल, यानी और के मुसलमानों के जज्बात को उभारने की कोशिश की। हालांकि आप बाज़ार में जाए ना, खाना काबा के मॉडल मिलते हैं, लोग उनको ख़रीदते हैं और अपने घरों में रखते हैं ला के बरकत के लिए, तो वो घड़ी उसको जनाब इन्होंने ऐसा बना के पेश करने की कोशिश की कि जैसे चेयरमैन पीटीआई ने कोई अपना ईमान ही बेच दिया है, पता नहीं कोई अरिया बेच दी है, क्या चीज़ सऊदी अरब से आई और वो बेच दी है। ख्वाजा साहब ने तो आज उठा के देखिए, समीर साहब ओपन एंड शट केस तो ये था, लेकिन अब सिर्फ शट केस रह गए, ओपन नहीं रहा। क्योंकि वजह ये है कि जो 8 सवालात उठाए हैं आमिर फारूक साहब ने ख्वाजा हारिस साहब की दलाइल को अपनाते हुए, उनको आगे बढ़ाते हुए, उसमें से बेसिक सवालात तो दो हैं। वो ये कि क्या जो इलेक्शन एक्ट के तहत 120 दिन के अंदर जब कोई आदमी अपने कोई भी जो रुकन असेंबली या अपने एसेट की डिटेल जमा करवाता है, तो उसकी छानबीन करके 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है, वो सनसेट क्लॉज है, 120 दिन से आगे 121 नहीं हो सकते। ये आपने कई साल के बाद कैसे कर लिया, रेफरेंस ही एक तो लेट आया, इंटरटेनेबल नहीं था, आपने कर लिया और आगे केस में ना सिर्फ खुद इसको डीसीट किया बल्कि आगे आपने भिजवा दिया ट्रायल कोर्ट में, कंप्लेन भी लॉन्च कर दी। दूसरा ये जो है कि आप इलेक्शन कमीशन इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है, कोई अफसर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि कोई एक सेक्रेटरी है, कोई एक वज़ीर, पूरी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, पूरी कैबिनेट है, इसी बेस पे पूरा इलेक्शन कमीशन जो 5 मेंबर्स हैं वो इलेक्शन कमीशन है, कोई एक चीफ इलेक्शन कमीशन भी नहीं हो सकता। पावर किसी को डेलीगेट करनी है तो कमीशन एक बकायदा ऑर्डर पास करेगा कि इस हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद को ये पावर डेलीगेट कर रहे हैं कि हमारे भी यहाँ मुकदमा दर्ज करवाएं। वो जिन ऑफिसर साहब ने करवाई उनके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो डेलीगेशन ऑफ पावर का जो लेटर था, जो अथॉरिटी लेटर था, वो उनके पास नहीं था। इस तरह के 8 सवालात उठाए हैं ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने, कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ इनका जायज़ा ही नहीं लिया। अब ट्रायल कोर्ट को वापस कहा है कि भाई इन सारी चीज़ों को देख के, लॉ को देख के इसके अकॉर्डिंगली फैसला करें। ये मैं समझता हूँ कि आमिर फारूक साहब ने जो ट्रायल कोर्ट को वापस भेजा है, ये उन्होंने जो ट्रायल कोर्ट के जज थे उनकी इज्जत की है, उनको रिस्पेक्ट दिए कि यार मैं तुम्हारा फैसला कलदम करार दे के वापस तुम्हें भेज रहा हूँ, अपनी गलती की सलाह करो, सिखाने के लिए भी। अगर डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं है काबिल समाज, चलो घर जाओ सारे, वो भी नीचे वाले जाए थोड़ा सा फील करते हैं कि यार हमारा फैसला उड़ा के परे मार दी। और तो ये भी महसूस करते जो कह रहे थे कि मुंह काला हो गया और पता नहीं क्या। हाँ जी, अब तो जो अब तो वो कहते हैं ना कि अब तो खुद ही अपना ही मुंह काला हो गया। बस अभी 7 दिन के अंदर उन्होंने क्या फैसला करें, 7 दिन के अंदर दोबारा से वो मुंह काला हो जाना है। एक और केस है जिसके बारे में बड़ा एक हाइप क्रिएट हुई थी, और जनाब फॉरेन फंडिंग वाला मामला जो था, ये चोरी पकड़ी की, वो चोरी पकड़ी की, अच्छा FIA से इन्वेस्टिगेशन करवाई, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रिक्वायरमेंट्स ने सारे उड़ा के परे मार दिए, ये तो केस ही नहीं बनता। उन्होंने कहा जी आपने चेयरमैन PTI को एक्यूज़ किया है इसमें, उसके तो ना कहीं दस्तखत हैं, ना कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ना स्टेट बैंक ने किसी ट्रांजैक्शन पे इतराज़ किया, ना मशकूक का, ना गलत का, आप कैसे कह रहे हैं जुर्म हो गया। आपको गुज़श्ता 2-3 महीने के अंदर कहीं फॉरेन फंडिंग का नाम सुना है किसी गवर्नमेंट के ऑफिशियल के? इसलिए कि वो भी ओपन एंड केस शट केस था, वो शट हो गया, ये भी ओपन एंड शट था, ये भी शट हो गया, ये अगले एक हफ्ते में ये भी शट हो जाएगा। अब ओपन पता नहीं क्या रह जाएगा, वो शायद इनके मुंह ही रह जाएगा। ये मैं फखर, मैं आपके आपके सब्र को मैं उसकी मैं दाद देता हूँ, आप बड़ी इतनी खामोशी से आपने सुनी, हालांकि आपके बड़ी इन्फॉर्मेशन, मुझे पता है आप उबल रहे हैं इस वक्त बोलने के लिए, लेकिन मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, मैं जब वापस आता हूँ तो फिर ये अब जो बाकी ओपन रह गई है इसके बारे में बात करते हैं, और ये नैब के कवानीन के हवाले से भी ज़रा गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है, 4 जुलाई के तनाजर में भी हमने गुफ्तगू की, और अब फ़ख्र रहमान आपकी तरफ मैं आता हूँ। मैंने आपको जो मुख्तलिफ केसेस जिस तरीके से नैरेटिव PDM की हुकूमत ने बनाए और अदालतों में वो पिट रहे हैं जाके, उस पर भी बात की। अब एक और बात पर
मैं चाहूँगा कि आप ज़रा इस पर तबसरा कर दें, भले तोशाखाना वाला मामले पर भी अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। नैब के नया ऑर्डिनेंस बन गया और अब उसमें 15 दिन की बजाय एक महीना आप फिजिकल रिमांड में रख सकते हैं, तो ये जब ये खुद इसका शिकार हो रहे थे तो ये कहते थे कि जिन नैब के जो कवानीन हैं ये तो बहुत बुरे हैं और इनको तो बदलना चाहिए। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो वज़ीर आज़म रहे 8 महीने नून लीग के बिहाफ पर, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए क्या फरमाते हैं। भले मानस आदमी हैं शाहिद खाकान अब्बासी, आप इनकी बहुत सारी चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन नून लीग के अंदर जो मॉडरेट्स हैं, जो सेंस की बात करते हैं, जो अपनी क़्यादत के सामने भी हर किस्म की बात करने का हौसला रखते हैं, उनमें से एक हैं आज़म नज़ीर तारड़। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त सारा वज़न उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के और मरियम नवाज़ साहबा के पलड़े में डाला हुआ है, लेकिन लॉयर भी हैं, बड़े सीजन लॉयर हैं, कानून को समझते हैं। उनकी नैब के हवाले से जो गुफ्तगू है कवानीन के हवाले से, आइए मैं आपको वो भी सुनवा देता हूँ। अच्छा, अब ये सारी क़्यादत जो है, मैं आपको बीसियों और गुफ्तगू सुनवा सकता हूँ, टाइम इतना नहीं है फ़ख्र रहमान, लेकिन आज इन्होंने फिर वो 14-15 दिन से ज़्यादा उसको फिज़िकल रिमांड 30 दिन कर दिया और बड़ी उजलत में उस पर साइन करवाए, और सियासतदान खुद ही जब ये खुद विक्टिम होते हैं तो कहते हैं कि इन कवानीन को तब्दील कर दिया जाए, और जब ये आते हैं इक्तदार में तो अपने ही मुखालफीन को दबाने के लिए, पकड़ने के लिए दोबारा उन्हीं ड्रैकोनियन लॉज, जिनको वो खुद ड्रैकोनियन कहते हैं, वो दोबारा ले आते हैं, वापस उनको रीइन्फोर्स कर देते हैं। तो ये जब सियासतदान करता है तो क्या ये फिर किसी और के लिए स्पेस क्रिएट नहीं कर रहा होता? ये क्या आप इस पर कहेंगे? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो देखें, तोशाखाना वाले मामले के ऊपर जो 13 जमातों ने सियासत की, उससे आपके इंतहाई करीब दोस्त जो थे वो बहुत खफा हुए। ये पार्टी ज़राए से इस बात की तस्दीक हुई थी, उन्होंने इसका बरमला इजहार नहीं किया, लेकिन बहुत शदीद नाराज़गी जो कि उन्होंने शो की इस मामले के ऊपर कि हमने अगर तोहफा दे ही दिया था तो आप लोगों ने उसके ऊपर जो अपनी सियासत की उस वो यकीनन हमारी तोहीन की आपने। दूसरी बात, ये जो नैब के हवाले से आपने इनकी मुनाफ़त अभी दिखाई कौम को, ये बिल्कुल आप देखें कि रात के अंधेरे में ये कहते थे कि जी नैब ऑर्डिनेंस जो है ना वो जारी कर दिया जाता है। कौमी असम्बली का जो सेशन जो था वो चल रहा था, पता नहीं किस तरह से उसको उन्होंने कर दिया, क्योंकि एक 14 महीने के अंदर जो चीज़ सामने आई है वो यही आई है कि ये कहते हैं कि वी आर अबव द लॉज, हम कानून और आइन से बालतर हैं, कानून हमारे ताबे है, हम जो मर्जी रातों रात हमारे दिमाग में आए हम ये कर दें। अब ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये जो कानून है ये किसी एक शख्स को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, और आज जावेद लतीफ़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें शिकवा किया कि अभी तक वो शख्स जो है वो गिरफ़्तार क्यों नहीं हो सका, और ये गिरफ्तारी जो है ये किसी की बहुत बड़ी ख्वाहिश है जो वो पूरी करना चाहता है। इसीलिए आपने देखा कि जिस कानून को ये कंडेम कर रहे थे, शाहिद खाकान अब्बासी के जो बयानात आपने भी कौम को के सामने रखे, यही वो मुनाफ़त है कि ये कानून को अपने मुखालफीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रातों रात ये कानून साजी कर लेते हैं। एक्टिंग प्रेसिडेंट जो है क्या वो इस तरह के किसी कानून पर दस्तखत कर सकता है, जबकि आज सदर पाकिस्तान वापस भी आ चुके हैं। ये सारा मामला जो है, एक तो ये इसका इफेक्ट जो है क्या वो रिट्रोस्पेक्टिव है, नहीं हो सकता, प्रोस्पेक्टिव है, पता चलेगा। क्या ये इस वक्त बाकायदा ऑर्डिनेंस जो है वो कानून की शक्ल रखता भी है कि नहीं, ये चैलेंज भी हो सकता है। मेरी बात मुख्तलिफ कानूनदान से हुई जो माहिर आइन भी थे और कानून के भी माहिर थी, उन्होंने बिल्कुल ये वादे तौर पर कहा कि ये जो नया ऑर्डिनेंस जो आया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, और ये ऐसा लगता है किसी खास मकसद के लिए रातों रात लाया गया है। ठीक है, मैं ये बात बड़ा ये आपका बड़ा अहम नुक्ता है। मैं ज़ुल्करनैन, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट को कवर भी करते हैं, ज़ुल्करनैन ये वाकई रेट्रोस्पेक्टिव ये जो कानून है, अभी अगर चले मान लें भले खिलाफ़ आइन भी है, पर्सन स्पेसिफिक है, लेकिन अभी बन गया, प्रेसिडेंट साहब ने साइन कर दिए हैं, अभी इसको चैलेंज नहीं हुआ ये, तो इसका जो अतलाक है
ये जो माजी के केसेस पर भी हो सकता है, इसमें जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी अहलियाँ हैं वो तो दो दो दफ़ा बयान भी दे चुके आके यहाँ पे, तो अब क्या इस कानून का इतलाक उन पर होगा या ये नए जो लोग इसमें आएंगे उस पर उसका इसका इतलाक होगा? देखिए समीर साहब, नॉर्मली तो होता यही है कि जो कानून बनता है वो तब से उसका इतलाक होता है, लेकिन नैब इस मुल्क का वाहिद कानून है कि जिसमें जब भी जो अमेंडमेंट होती है उसको 1985 से लागू किया जाता है, क्योंकि कहा ये उसकी आड़ ये ली जाती है कि जो नैब का 99 का ऑर्डिनेंस था जिसके तहत नैब कायम हुआ था वो सारे का सारा शुरू 85 से हो रहा है। अब ये ऑर्डिनेंस ही आपके सामने मैंने अभी खोला हुआ है, इसमें कहीं पर ये मेंशन नहीं है कि इसका इफेक्ट माजी से होगा, 1985 से होगा। अभी शायद वो लिखना भूल गए या अभी तक मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में इसमें बहुत से केसेस जो है वो एफबीआर में चले जाएंगे और बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनकी वो उन्होंने अमाउंट भी जो है वो स्पेसिफिक कर दिया, तो पहले से वैसे भी कोई चीज़ वो तो पहले से है। अब ये जो नया ऑर्डिनेंस जारी किया ना रात को इन्होंने, इसमें इन्होंने जो किया है कि जी रिमांड को बढ़ा दिया है और चेयरमैन को इख्तियार होगा इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर भी वो वारंट जारी कर सकता है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की कई ऑब्जर्वेशंस भी आ चुकी हैं इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी पे, जो हर बार ये तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आड़ में करते थे। छोटा सा एक फैसला याद करा दूं, मोहतरम जस्टिस काजी फैजीसा साहब जो हमारे नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक केस में जो ऑर्डिनेंस एक जारी हुआ था उसके तहत वो एक लीगल मैटर सामने आया था, नॉर्मल केस था लेकिन उसमें उन्होंने ऑर्डिनेंसेज को डील किया। उन्होंने कहा कि पे दर पे जो ऑर्डिनेंसेज आरिफ अलवी साहब जारी कर रहे हैं ये गलत है। ये उन्होंने कहा कि आर्टिकल 89 के तहत सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में कि जब पार्लियामेंट का सेशन करीब करीब ना हो या इंतहाई इमरजेंसी हो तब ये ऑर्डिनेंस जारी हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इस वक्त कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं थी खान साहब की पेशी के अलावा जिसमें ऑर्डिनेंस जारी हो सकता, तो बादी नजर में उस फैसले के भी खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब तरमीम केस चला है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी जिससे पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी, उसके बाद उनको एक नई तरमीम करनी पड़ी थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि हम सिर्फ अगर जो नैब तरमीम का है इसको माजी से इतलाक ख़त्म कर दें, जो आपने 1985 से इतलाक करके केसेस माफ़ किए हैं अपने, हम सिर्फ अगर ये कह दें कि ये जब से पास हुई है तब से इतलाक होगा, 80% आपका काम खत्म तमाम हो जाना। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें ये करते हैं, नॉर्मली बैक एंड से हैं। इस केस में उन्होंने माजी से इतलाक नहीं किया, उसकी वजह ये है कि ये केसेज अभी ऑन गोइंग है, अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं, इनके ऊपर जब कानून बन जाए तो इतलाक उसका अब से शुरू हो जाएगा, जब से वो क्योंकि कंक्लूड नहीं हुए, कंक्लूड हुई भी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर नहीं हो सकता, जारी के ऊपर हो जाएगा ये, क्योंकि ये पर्सन स्पेसिफिक किए हैं एक मखसूस शख्स। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें फिर एक बात ये सामने आती है फखर रहमान के, कोई नया कोई अगर केस अगर शुरू कर दिया जाए कोई भी नई इंक्वायरी, तो इंक्वायरी स्टेज पर ही अब जो चेयरमैन है वो वारंट भी जारी कर सकते हैं, तो ये तो पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, ये तो नई चीज़ कोई लेके उस पर भी आप पकड़ सकते हैं बंदे को अगर पकड़ना है। जी जी, ये देखें ना, मैंने आपको ये बताया कि आप ज़रा देखें कि इलेक्शंस करीब हैं और उस इलेक्शन से किसी को बाहर रखने की मंसूबाबंदी की गई है और वो पीटीआई के चेयरमैन है ऑब्वियसली, और इसमें जो ये कहा गया है कि कोई शख्स जो है वो वादा गवाह बन जाए और उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, तो ऐसे कुछ लोग हैं जो पीटीआई के चेयरमैन के करीब थे, उनको उन पर दबाव डाला जा रहा है कि आप आए आकर बयान दें, वादा माफ गवाह बन जाए, ठीक है, ताकि ये जो 30 दिन का जो मामला रखा गया है ये इलेक्शन कैंपेन से उनको आउट करने के लिए रखा गया है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक छोटी सी बात आपको बता दूं, इस तरमीम में वादा माफ गवाह में उन्होंने ये कहा कि वादा माफ गवाह जिसको चाहेंगे बना सकेंगे, और अगर इन किसी स्टेज के ऊपर आके वो अपनी बात से थोड़ा सा भी फिरता है तो उसकी सजा भी बहाल हो जाएगी, उसके बाद आपको भाई भी खत्म हो जाएगी, दोबारा अंदर हो जाएगा। जबरदस्त, यानी फुल प्रूफ काम है, इसे बंदा बच नहीं सकता, जे एक बार फंस गया तो फिर फंसा ही रहेगा कुंडी। बहरहाल, एक छोटा सा वक्फा और गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है जिसमें कवानीन का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मुखालफीन को दबाने के लिए, और ऐसे ऐसे जहतें, ऐसी ऐसी राहें, इस तरह के कवानीन बनाए जा रहे हैं कि बंदे की अकल दंग रह जाती है। लेकिन अभी ब्रेक में ज़ुल्करनैन ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे कि अब नवाज़ शरीफ साहब भी पहुँच गए हैं सऊदी अरब, तो इन्होंने कहा कि अपने किसी एक हमारे रहनुमा हैं उनके साथ इंटरव्यू की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये पूछा कि ये किस किस्म के डॉक्टर हैं कि ये लंदन से दुबई जाने के लिए अगर जहाज़ इस्तेमाल करें नवाज़ शरीफ साहब, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपकी सेहत बिल्कुल ठीक है, आप फ्लाई कर सकते हैं, वो फिर वापस भी आ जाते हैं। पाकिस्तान के लिए कोई शायद कोई आबो हवा इस किस्म की है,
कोई बीमारियाँ यहाँ पर इस किस्म की हैं, अजीब व गरीब किस्म की एलर्जियाँ इस्लामाबाद में भी, आपको पता है गरीब लोग हैं मेले कुचैले, तो इधर कुछ अभी कुछ तबीयत उनकी सही हो नहीं रही, को बन नहीं रही। तो फ़खर वो कहते हैं कि दो हफ्ते का क्याम है इनका, लेकिन मुझे आज एक साहब बता रहे थे कि इन दो हफ्तों के दौरान अभी तक ऐलान नहीं हुआ, मार्क माई वर्ड्स, जनाब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाएँगे सऊदी अरब, पाजी से मुलाकात होगी, फिर अगे वड्डे पाजी से भी मुलाकात होगी, एंड मार्क माई वर्ड्स कुछ और शख्सियात भी होंगी वहाँ पर। सुना है कि सारी जो अपना छोटे बड़े भाई की जो डील है, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, वो सब वहीं पर फ़ाइनल होना है। आपके क्या आपके सोर्सेज आपको इतला दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने देखा नहीं था माजी में भी एक दफ़ा आया था कि वहाँ पे कस्में वादे लिए गए थे, और सॉरी अब ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। नहीं, बेहतर है कि आप एक इतनी रखें डिटेल। थैंक यू। हाँ, मैं ये बिल्कुल मैं आपको ये बता दूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ सियासी मामलात के ऊपर एक डेडलॉक हो चुका है इनका, और अभी जो सूरत हाल बनने जा रही है सऊदी अरब में, ये जो बैठक होने जा रही है इनकी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी बताया जा रहा है कि उन्होंने भी ट्रैवल करना है, ये जैसे ये जो नैब का जो कानून आया है और ये जो आगे उनका वहाँ पे क़याम है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं और कुछ अहम फैसले करने हैं। अहम मुमकिन है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना सऊदी अरब से उमरा करके वापस ही लंदन जाने को तरजीह दें। अच्छा अच्छा, जुल्कर नैन यार ये बताइए, बड़ा हुस्न इतफाक़ है, ये सारे ही पीटीआई के जो वज़ीर आज़म या वज़ीर आला जाली डिग्रियों वाले हैं, उधर सरदार तनवीर इलियास भी दाखिल हो गए तौहीन अदालत में, और इधर ये गिलगित बल्तिस्तान के जो वज़ीर आला थे उनकी डिग्री भी जाली निकल आई, और वहाँ की जो चीफ कोर्ट है उन्होंने फैसले बड़े ज़बरदस्त फैसले, अदालतें देखें माशाल्लाह कितना खुल कर काम कर रही हैं, हुकूमत वक्त के खिलाफ भी, इन्होंने देखे क्या बहादुर जजेज हैं यार, सलाम और सल्यूट करने को दिल करता है उनको। लेकिन जजेस तो जो भी हैं उनको हमारा सलाम सल्यूट हमेशा ही रहता है, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स के तौर पे हम तो उनका करते रहते हैं सलाम। वैसे भी आपको सलाम वैसे भी बिल्कुल करना चाहिए। एक छोटा सा आपको ना एक स्टेट ड्रामे का एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, वाकई तो लतीफ़ा ही बन गया, हाँ जी सुना दें आपको सारी समझ आ जाएगी कि मामला क्या है। वो एक खातून एक स्टेट ड्रामा में, मैंने लाहौर गया हुआ था तो मैंने ड्रामा देखने का इतफाक़ हो गया, उसमें खातून थी, उसने कहा कि जी मेरी अब चौथी शादी होने वाली है, उससे पूछा जी आपका पहले हस्बैंड को क्या हुआ, उसने कहा जी उसने जहर पी लिया था, दूसरा कैसे मरा, उसने कहा जहर पी लिया था, उन्होंने पूछा तीसरे का क्या, वो कह दिया उसको मैंने डंडे मार मार के मार दिया था क्योंकि वो जहर नहीं पी रहा था। तो आगे आपको समझ गए जो मैं यार ये अपना नायल हो रहा है दूसरा फखर रहमान, मैं तो कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की अदालतें सल्यूट करने को दिल कर रहा है, और इससे पहले जो आज़ाद कश्मीर की अदालतों ने दिखाया करिश्मा और करतब, कमाल कर दिया, अमरीकी अदालतों को पीछे छोड़ गए यार, इतने जबरदस्त फास्ट फॉरवर्ड नहीं जैसे वीडियो चलती, कमाल हो गया यार जी। पाकिस्तान की अदालतों का इंसाइक्लोपीडिया जो है ना उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से शायद जिक्र भी आ जाए कुछ अरसे के बाद, क्योंकि दुनिया का जो जुडिशियल सिस्टम है, दुनिया में जहाँ पे भी जुडिशियल सिस्टम मिसालें दी जा रही हैं पाकिस्तान के कोर्ट्स की और आज़ाद कश्मीर की अदालतों की, कि क्या कमाल जज है यार, प्रेम ही नहीं और वो दे लेते हैं। आजकल बड़ा एक लफ्ज है आजकल बड़ा इस्तेमाल होता है, सुरखरू किया, सुरखरू किया, ये बहुत सारे मामलात है जिसमें बहुत सारे लोग सुरखरू हो रहे हैं। अब आपको आप खुद ही देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला जो थे वो इंसानी हकूक और अवामी हकूक के हवाले से उनकी जो पजीराई है वो सबके सामने है, लेकिन अब उनको किसी ना किसी तरह से तो टारगेट करना था, तो आपको वो टारगेट हो गए। लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको देनी है ना सर, तो वो तो फिर बड़ा जरूरी है, गलियां हो जाए सुनजिया में मिर्जा यार वो नहीं मिलने वाली समय साहब यार, नहीं अलीना साहबा अभी और क्या काम है। पाकिस्तान वालों ने कल बता दिया कि वज़ीर आज़म कहाँ से होगा, तो वहाँ पे बात खत्म हो जाती है, वो जितनी कोशिश कर रहे हैं उन्हें करने थे, मेरे ख्याल में ज्यादा जो गेम लेके जाएंगे वो शहबाज शरीफ साहब लेके जाएंगे, इतना आसान नहीं है नवाज शरीफ साहब के लिए आना वापस, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मुहरिकात हैं, बहुत से बयानिए हैं जो लोग आके फिर सवाल करेंगे। सांतो आप क्या कहते हैं भाई, ये तो कह रही है शहबाज शरीफ साहब, और दूसरा आपने सारे शॉट्स चलाए, आपने एक शॉट नहीं चलाया जिसमें मरियम नवाज से एक एंकर पूछ रहे थे ये जो गाड़ी थी इसके बारे में, तो आपने बताया नहीं, तो उन्होंने आगे से पूछा था ये कैमरा चल रहा है या बंद है, आप तो वो भी चला थे अगर आप पर्सनलाइज हो, पर्सनलाइज कहां है वो, आप बहुत पर्सनलाइज हो गई हैं मरियम साहब के बारे में, नहीं नहीं आप मुझे बताएं, नहीं वैसे उनका सवाल ठीक है कि तोशाखाना लॉ ऑन द रिकॉर्ड है वो शो, यस ऑन द रिकॉर्ड है, और मेरा सवाल है मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि
तोशाखाना के लॉ में आप हर चीज ले सकते हैं सिवाय गाड़ी के। और मैं आपको बताऊं, तोशाखाना का ये जो सारा केस खत्म हुआ है, इसके पीछे और भी बड़ी चीजें हैं। बहुत से लोगों से सवाल किए जाने से बड़ी चीजें होनी थी, तो बेहतर यही है कि इसको खत्म कर दिया। वो डरते हैं सवालों से, जैसे डरते हैं तो किए ना। अच्छा समी साहब, मैं फिर आपको खबर दे देता हूं। जी खबर दे रहे हैं, खबर फखर साहब खबर दे रहे हैं। जी फखर, ये जो 13 जमातों का टोला है और इनके जितने भी हरबे हैं, वो जल्द जो है वो इनको एक ऐसा झटका लगने जा रहा है जिसके बाद ना ये आंसू बह सकेंगे ना इनकी आवाजें निकलेंगी। अच्छा खुश्क हो जाएगी, ठीक है। फखर साहब कहीं जुम्मन भी बातें कर रहे हैं, लेकिन आज तक होता नजर नहीं आया। किसी ने यकम जून का, किसी ने 8 जून का, किसी ने यकम। यार देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, इस शहर में ना, सिर्फ इस शहर में जहाँ से हम प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई तकरीबन 13-14 मेल एंकर और फीमेल एंकर्स हैं, और इससे दिगनी तुगनी तादाद में यूट्यूबर्स हैं जो यूँ तलवारें सौंत के बैठे हुए हैं। और आपने इतना, आपने मरियम साहबा के बारे में सवाल करके ना गज़ब को दावत दे दिया, गज़ब को। गज़ब को दावत नहीं दिया, और आप बात की है जो सामने है, आप बात ही नहीं कर सकते भाई। वो तो झूठे फेक ट्वीट्स पर अपनी कहानियां सुना रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ बता रहे हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी तो जबान लरज रही है भैया। फखर रहमान, झटका पता नहीं आप किसको लगा रहे हैं, किसको लगा रहे हैं झटका आप? झटका 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 सही झटका जिनकी जिनकी मीटिंग का आप कह रहे थे कि ओके जी, अच्छा जी ठीक है, मीटिंग्स की बात ना करें यहाँ पे आप प्लीज। जी जुल्कर नैन, मुझे ये बताइए कि ये सांतो भी हमें मरवाएगा, मुझे ये बात बताएं। Exactly, मुझे ये बात बताएं कि आज 2 मेंबर बेंच बनाया क्यों अगर वो कोई फैसला ही नहीं कर सकता था? देखिए समी साहब, बात ये है कि 4 जजेस टोटल इस्लामाबाद में बेंचेस के लिए अवेलेबल हैं, क्योंकि 2 लोग चैम्बर वर्क पे हैं, काजी फैसा साहब और सरदार तारिक साहब। तो एक बेंच तो बन नहीं सकता था 4 का, इसलिए 2-2 के 2 बेंच बने थे रूटीन में, जो पूरा हफ्ता रहेंगे। और अगर बात ये है कि इतनी अगर मैं लीगली बात करूँ, तो ये बेंच सस्पेंशन का ऑर्डर दे सकता था इंटरिम रिलीफ के तौर पर, उसके बाद फिर ये केस फ्री जब लीव ग्रांट कर दी जाए ना, या समाज के लिए। मैं एजाज़ुल अहसन साहब के रिमार्क्स, मैं तो अदालत में मैं मौजूद नहीं था, मैंने वो देखे जो रिपोर्टर्स फाइल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हम तो 2 मेंबर बेंच हैं, हम तो कोई। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, होता ही है कि जब आप लीव ग्रांट करते हैं, मीन्स के जब आप दरख्वास्त को बाकायदा समाज के लिए मंजूर करते हैं, उसके बाद 3 मेंबर बेंच सुन सकता है, उससे पहले पहले 2 मेंबर सुन सकता है, इंटरिम रिलीफ दे सकता है, वो भी 3 मेंबर के ऊपर है, वो आगे उससे कंटिन्यू करता है टिल द नेक्स्ट हियरिंग या नहीं। इजाज़ुल अहसन साहब, पहले उनका मूड नहीं था, उन्होंने कहा नहीं करना है। खोसा साहब ने जब बार बार कहा, तीसरी रिक्वेस्ट जब की, फिर उन्होंने आयशा मलिक साहिबा की तरफ देखा, जब जैसे आपस में मुशावरत करते हैं, उन्होंने कह दिया नहीं। और वो वाज़े इशारा थे, हम सब ने देखा कोर्ट में जितने लोग थे, वकला ने भी, जर्नलिस्ट जो कम्यूनिटी थी उन्होंने भी, आयशा मलिक साहब ने कहा नहीं। अब क्योंकि वो 3 मेंबर बेंच होता तो 2-1 से हो सकता था, 1+1 होता तो रेफरी जज के पास चला जाना था, वो नया कटा खोलने से अवॉइड करना चाह रहे थे। चले जी, ये नया कटा नहीं खुला, जो आयशा साहब ही कर दिया बिल्कुल, जो अभी जो वहाँ पर रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये बात बताई, अच्छी बात की है। जाहिर है कानून और आइन के मुताबिक क्योंकि हमारी अदालतें हैं, हम सोच भी नहीं सकते खुदा ना खास्ता उनकी तौहीन का या कुछ, फैसलों पर तो बात हो सकती है, कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने कहा। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अजहा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है, सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहाँ पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शन है, जितनी भी आलाइश है उनको यहाँ से उठाया जा रहा है। और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला, और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।